ये है वक्त मीडिया। आलमी शोहरत याफ्ता शायर इस्लाम और आज के इकबाल डॉक्टर माजिद देवबंदी का दूसरा नातिया शेरी मजमुआ वो मेरा नबी है का इजरा 13 फरवरी 2019 को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी सदर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने फरमाई। वो मेरा नबी है का इजरा हिंदुस्तान की अहम तरीन इल्मी व दीनी शख्सियात के हाथों किया गया। हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि अकाबरीन इस्लाम और अहम तरीन दीनी शख्सियात इत्तेहाद उम्मत के हवाले से यकजा हुई, जिसमें अमीर शरीयत हजरत मौलाना वली रहमानी साहब, खानकाए रहमानी मुंगेर, हजरत मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी अमीर जमात इस्लाम हिंद, हजरत मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड, जनाब डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली, जनाब मौलाना मोहसिन तकवी इमाम जुमा शिया मस्जिद कश्मीरी गेट दिल्ली, जनाब राशिद फरीदी सज्जादा नशीन दरगाह हजरत बाहुद्दीन फरीदी रजबपुर, जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासे सदर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर, जनाब नवेद हामिद साहब सदर कुल हिंद मजलिस मुशावरत, जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी सदर अदबी तंजीम मिजान और जनाब अंसार रजा सदर गरीब नवाज फाउंडेशन के नाम अहम तौर पर लिए जा सकते हैं। तमामी शख्सियात ने डॉक्टर माजिद देवबंदी की शख्सियत और उनकी नातिया शायरी पर इजहार ख्याल किया। बेशतर हजरात ने फरमाया, डॉक्टर माजिद देवबंदी ने गजल और नात की शायरी में इत्तेहाद उम्मत का जो पैगाम दिया है वो उन्हें बहुत से लोगों से अहम बनाता है। वो मेरा नबी है की रस्म इजरा के बाद एक कुल हिंद नातिया मुशायरे का भी इनाकाद किया गया। इंटरनेशनल सूफी मिशन दिल्ली के जेरे एहतमाम और रेक्स रेमेडीज के ताउन से मुनक्किद इस तकरीब रस्म इजरा में जनाब राशिद फरीदी सज्जादा नशीन दरगाह हजरत बाहुद्दीन फरीदी रजबपुर, जनाब सैयद उवैस रिजवी नायब सज्जादा नशीन दरगाह हजरत सैयद शाह अब्बन बदरे चिश्त अमरोहा और जनाब डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली के दस्ते मुबारक से डॉक्टर माजिद देवबंदी की दस्तार बंदी की गई और उन्हें आयतल कुर्सी का तुगरा भी पेश किया गया। आइए दोस्तों, हम्माद साहब के बाद मैं आवाज दे रहा हूं जनाब मसरूर ताबिश साहब को कि वो तशरीफ लाएं और नाते पाक से इस महफिल को सरफराज करें। नाते पाक का मतला हाजिर करता हूं। जी यथा कीजिए। नहीं, ये रिहान भाई आ रहे हैं। जी ताविश भाई। समझने सोचने की जितनी कुवत बढ़ती जाती है, समझने सोचने की, वाह क्या कहने, समझने सोचने की जितनी कुवत बढ़ती जाती है, रसूले पाक से उतनी मोहब्बत बढ़ती जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने मसरूर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। रसूले पाक से उतनी मोहब्बत बढ़ती जाती है, समझने सोचने की। शेर हाजिर करता हूँ। क्या कहने भाई। रसूल अल्लाह की यादों का ये आलम है इस दिल में, वाह सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह की यादों का ये आलम है इस दिल में, दरूद पाक की हर रोज
کثرت بڑھتی جاتی ہے درود پاک کی ہر روز، کثرت بڑھتی جاتی ہے سمجھنے سوچنے کی، جتنی قوت بڑھتی جاتی ہے۔ کیا کہنے، بہت اچھے سوچنے کی، شعر سنیے گا جی، عنایت کیجئے مسرور صاحب، زندہ باد۔ ہم آقا کے بتائے راستے سے ہٹتے جاتے ہیں، توجہ، کیا کہنے کیا کہنے، بہت سچا مصرع۔ ہم آقا کے بتائے راستے سے ہٹتے جاتے ہیں، سبب یہ ہے ہمارے حق میں نفرت بڑھتی جاتی ہے، اور یہ آخری شعر جی، عنایت کیجیے۔ محمد نام لیتا ہوں تو لب دو بار ملتے ہیں، محمد نام لیتا ہوں تو لب دو بار ملتے ہیں، لبوں کو لطف آتا ہے، لبوں کو لطف آتا ہے تو لذت اور بڑھتی ہے، لبوں کو لطف آتا ہے تو لذت اور بڑھتی ہے، سمجھنے سوچنے کی جتنی قوت بڑھتی جاتی ہے، رسول پاک سے اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے، رسول۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ آئیے دوستو، مسرور تابیز صاحب کے بعد آپ نے محبوب کے صدقے میں آج کی اس محفل کو قبول فرما، آمین۔